हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विवेक। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को बेसिकली index.php पेज को डिज़ाइन करने के लिए बताऊंगा कि किस तरह से index.php दिखेगा, और कुछ वहां पे मैं डेमो डाटा रखूंगा। अभी हम लोग डेमो डाटा रखेंगे, बाद में हम लोग डाटाबेस से उसे रिट्रीव करेंगे और शो करेंगे, और फिर मैं बताऊंगा आपको post.php किस तरह से दिखेगा, राइट? तो यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर आप देख सकते हो जो index.php है कुछ इस तरह से दिखेगा। ये index.php है आपका, ओके? तो ये बड़ा सा जो सबसे पहले तो ऊपर में आपको नेविगेशन रहेगा जो कि है आपके पास, और यहाँ पे बड़ा सा आपका मेन कंटेंट का एरिया रहेगा, ओके? और फिर यहाँ पे आपका साइड बार रहेगा, राइट? और फिर यहाँ पे आपका फुटर रहेगा। तो देखिए, ये है बड़ा स्क्रीन के लिए। छोटे स्क्रीन में मैं क्या चाहता हूँ, सबसे पहले बात करते हैं मीडियम स्क्रीन की। तो मीडियम स्क्रीन में मैं क्या चाहता हूँ, जो नेविगेशन बार रहे एज इट इज रहे, राइट? जो ये वाला कंटेंट एरिया रहे एज इट इज रहे, और साइड बार भी सेम रहे, ओके? मतलब मैं मीडियम स्क्रीन और लार्ज स्क्रीन को सेम रख रहा हूँ। पर छोटे स्क्रीन के लिए मैं क्या करूँगा, छोटे स्क्रीन के लिए मैं नेविगेशन बार को एज इट इज रखूँगा, पर जो कंटेंट एरिया है वो यहाँ आ जाएगा पूरा स्क्रीन पे। जो साइड बार है वो यहाँ आ जाएगा, ओके? और जो फूटर है वो यहाँ आ जाएगा, राइट? तो हम लोग बेसिकली रोस एंड कॉलम्स का बात करने वाले हैं। तो अगर मैं इसको कॉलम दूंगा, अगर इसको मैं लेंथ दूंगा 9 कॉलम का, तो इसको मुझे देना पड़ेगा 3 कॉलम का। क्यों? क्योंकि टोटल 12 ही हो सकता है, राइट? और ये सब चीज़ मैंने आपको मटेरियल CSS के लेक्चर में बताया है। मेरा मटेरियल CSS का ट्यूटोरियल है, आप जाके देख सकते हो। इसमें भी सेम करूंगा, इसको मैं दूंगा 9 कॉलम का और इसको मैं दूंगा 3 कॉलम का, ओके? पर छोटे से स्क्रीन पे क्या करूंगा, मैं इसको दे दूंगा 12 कॉलम का विड्थ, इसको भी मैं दे दूंगा 12 कॉलम का विड्थ। क्यों? क्योंकि अब ये पूरे स्क्रीन पे है, तो पूरे स्क्रीन के कितने कॉलम्स आ सकते हैं, 12, तो 12 आ जाएगा, राइट? तो चलिए देखते हैं। मेरा index.php अभी ऐसा दिख रहा है जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में डिजाइन करके दिखाया था, इस तरह से दिख रहा है। अब मुझे यहां पर अपना कंटेंट एरिया दिखाना है और वो दिखाना है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं एक कंटेनर ले लेता हूँ, आई थिंक वो सही रहेगा, थोड़ा सा स्पेस दोनों साइड से दिख जाएगा। बाद में होगा तो मैं हटा दूंगा, मैं श्योर नहीं हूँ, ओके? और फिर इसके अंदर मुझे रो लेना पड़ेगा, डिव डैश रो। क्यों? क्योंकि ये मेन रो की तरह काम करेगा। मेन ये जो आपका पार्ट है, ये पूरा मैं दिखाता हूँ फिर से आपको। हाँ, ये जो आपका पार्ट है, पूरा का पूरा पार्ट, ये एक पूरा रो की तरह काम करेगा, और उसके अंदर हम 2 कॉलम्स लेंगे, राइट? तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे रो मैंने ले लिया, अब फिर मुझे एक कॉलम चाहिए। तो कॉलम के लिए डिव डैश कॉल डैश L9। क्यों? क्योंकि मैंने बोला है बड़े से स्क्रीन पर मैं 9 साइज का लूंगा, मीडियम स्क्रीन पर भी मैं 9 साइज का लूंगा, स्मॉल स्क्रीन पर मैं 12 साइज का लूंगा। तो कॉल डैश L9, L9 इज फॉर लार्ज 9 कॉलम, मीडियम 9 कॉलम एंड S स्मॉल स्क्रीन 12 कॉलम, राइट? और फिर मैं इसी चीज को यहां पे लिखूंगा, तो डिव डैश कॉल डैश छोटे स्क्रीन पे, बड़े स्क्रीन पे L3, मीडियम स्क्रीन पे भी M3, और फिर स्मॉल स्क्रीन पे S12, राइट? अब एक्चुअली आपको ये दिखेगा नहीं, राइट? तो मैं क्या करता हूं, दिखाने के लिए मैं यहां पर एक स्टाइल टैग लगाता हूं, ओके? और मैं इसको दे देता हूँ हाइट, मैं दे देता हूँ इसको 500 पिक्सल, और मैं इसको बैकग्राउंड दे देता हूँ हैश F4. क्यों? क्योंकि F4 जो ये लाइट ग्रे कलर है, तो वो आपको एक्चुअली यहाँ पे दिख जाएगा। तो चलिए मैं इसे सेव करके आपको दिखाता हूँ, और ये पूरा का पूरा एरिया, ओके, इसको मैं दे देता हूँ फिलहाल के लिए रेड कलर, ताकि हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकें। तो आप देख सकते हो ये जो एरिया है कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं कंटेनर क्लास हटा देता हूँ क्योंकि ये अच्छा नहीं दिख रहा है, राइट? तो मैं यहाँ से कंटेनर हटा दिया, और नीचे से आपको कंटेनर का वो भी हटा देना है। अगर मैं अब रिफ्रेश करूंगा तो आप देखिए, ये आपका मेन कंटेंट एरिया है और ये आपका साइड बार है।
ओके आप चाहे तो साइड बार को छोटा भी कर सकते हो, पर अच्छा लग रहा है राइट। तो मैं यहाँ से बैकग्राउंड हटा देता हूँ क्योंकि मैं आपको बस दिखाने के लिए एक्चुअली ये कर रहा था। ओके अब जो मेन कंटेंट एरिया है उसके अंदर मैं यहाँ पे कमेंट लगा देता हूँ, क्योंकि जब मैं फाइल आपको दूँ तो आपको ये वाला पार्ट दिखे। और फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ओके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज मेन कंटेंट एरिया, और मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज साइड बार एरिया। और मैं यहाँ पे बता दूँ, जिस तरह से हम लोगों ने पिछली बार नेविगेशन बार वगैरह को डिफरेंट फाइल में रखा था, क्योंकि साइड बार सब में सेम होने वाला है, पोस्ट डॉट पीएचपी में भी सेम होने वाला है, तो मैं साइड बार को भी एक सेपरेट फाइल में रख दूंगा, क्योंकि बाद में कभी भी साइड बार को हमें चेंज करना हो तो हम लोग चेंज कर देंगे, तो हर एक पेज में जाकर के वो इफेक्ट दिख जाएगा, हमें चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी हर एक पेज में आकर के आराम से। ओके तो चलिए मैं यहाँ पे एक डेमो दिखाता हूँ कि किस तरह से हमारा साइट दिखेगा। तो डिव डैश कार्ड में लेता हूँ, कार्ड बेसिकली क्लास है जो कि कार्ड बनाने में मदद करता है, और मैं ले लेता हूँ डिव डैश कार्ड इमेज। ओके और फिर इसके अंदर मुझे इमेज टैग लगाना है, और फिर मुझे इमेज इमेज 10.jpg देना है। ओके और फिर यहाँ पे एक क्लास है स्पैन कार्ड डैश टाइटल, जो कि क्या करता है, इमेज के ऊपर आपको एक बड़ा सा टेक्स्ट दिखाने को मदद करता है। मैं लिख देता हूँ ब्लॉग वन राइट। तो चलिए इसे सेव करके हम लोग देखते हैं कि आखिर कैसा दिख रहा है। और ये देखिए बहुत घटिया सा दिख रहा है, क्यों, क्योंकि हम लोगों ने जो कार्ड को है उसको डायरेक्ट कॉल एल लाइन में रख दिया है, मतलब ये मेन से कॉलम में रख दिया है, मतलब ये पूरे एरिया में हम लोगों ने एक कार्ड को रखा है, तो इसलिए इतना गंदा दिख रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, इस वाले पूरे पार्ट को कट कर लेता हूँ। ओके और फिर डिव डैश कॉल डैश, अब हमें क्या करना है, जैसे कि ये पूरा बड़ा स्क्रीन है हमारा, तो पूरा बड़ा स्क्रीन है, तो मैं क्या चाहता हूँ यहाँ पे एक कार्ड दिखे, यहाँ पे एक कार्ड दिखे राइट, सेम साइज का होगा वो, एक्चुअली थोड़ा सा ड्रॉ करने में दिक्कत हो जा रही है राइट, उसके बाद फिर सेम साइज में हो, तो मैं क्या चाहता हूँ बड़े स्क्रीन पे चार दिखे। ओके बड़े स्क्रीन पे चार दिखे, मीडियम स्क्रीन पे तीन दिखे राइट, मीडियम स्क्रीन पे कितने दिखे, मीडियम स्क्रीन पे तीन दिखे, और छोटे स्क्रीन पे दो दिखे राइट, मीडियम स्क्रीन पे तीन और छोटे स्क्रीन पे दो। तो वो करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेम इसको क्लास देना पड़ेगा कॉल डैश एल, बड़े स्क्रीन पे आप चाहते हो चार दिखे, मतलब हर एक कॉलम को आपको साइज देना पड़ेगा 3, 4 × 3 = 12, उसी तरीके से एम में देना पड़ेगा 4 और एस में देना पड़ेगा 6 राइट। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसके अंदर आपको ये पेस्ट करके दिखाता हूँ, और चलिए इसे रिफ्रेश करते हैं, तो आप देख सकते हो ये छोटा सा आपका दिख गया है और यहाँ पे ब्लॉग वन लिखा हुआ है। मैं क्या करता हूँ ये ब्लॉग वन को ब्लैक कलर दे देता हूँ, तो ब्लॉग वन को अगर आपको क्लास देना है तो आपको स्पैन के अंदर जाकर के ब्लैक डैश टेक्स्ट क्लास देना पड़ेगा, ताकि वो ब्लैक कलर का हो सके टेक्स्ट, और आप देख सकते हो ये ब्लैक कलर का हो गया राइट। अब मैं क्या चाहता हूँ यहाँ पे छोटा सा ब्लॉग का जो कंटेंट है वो दिखे, तो उसके लिए आपको डिव डैश कार्ड कंटेंट क्लास यूज करना पड़ेगा, तो ये डिव के बाहर आपको आना है कार्ड इमेज के बाहर, और फिर आपको डिव डैश कार्ड डैश कंटेंट क्लास यूज करना है, और फिर इसके अंदर मैं डेमो कंटेंट ले लेता हूँ लॉरम 10, और ये अभी डेमो है, बाद में मैं आपको डाटाबेस से निकाल के दिखाऊंगा इसमें। ओके तो चलिए रिफ्रेश करते हैं, और आप देख सकते हो जो आपका डेमो कंटेंट है वो आ चुका है। अब हमें एक और चीज़ चाहिए, क्या चाहिए, मैं चाहता हूँ यहाँ पे एक रीड मोर का बटन होना चाहिए, ताकि यूज़र उसको क्लिक करके रीड कर सके, तो मैं कार्ड कंटेंट क्लास के बाहर आऊँगा, आप देख सकते हो कार्ड कंटेंट क्लास यहाँ पे, इसके बाहर आना है आपको, और फिर एक और डिव लेना है, उसको देना है कार्ड एक्शन, क्योंकि ये एक्शन होगा एक तरह से, और फिर इसके अंदर ए टैग लगाना है, और उसको आपको रीड मोर एंटर करना पड़ेगा, और फिर देखिए तो आप देख सकते हो यहाँ पे रीड मोर आ गया है, आप चाहो तो इसको भी क्लास दे सकते हो। ओके तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो मैं नेविगेशन बार के कलर को चेंज करता हूँ। ओके तो अभी आप यहाँ पे एक चीज़ समझिए, अगर नेविगेशन बार हर एक पेज में रहता तो आपको हर एक पेज में जाकर के कलर चेंज करना पड़ता, पर हम लोगों ने navbar.php करके फाइल बना रखा है,
तो चलिए मैं navbar.php में चलता हूँ और वहाँ पे जाकर के मैं डायरेक्टली कलर को चेंज कर दूंगा। तो जो नैव क्लास है आपका, नैव टैग है, नैव टैग HTML 5 टैग है, तो उसके अंदर आपको क्लास लगाना पड़ेगा और क्लास में दे देता हूँ टील। ओके चलिए मैं रिफ्रेश करता हूँ और आप देख सकते हो आपका जो टील कलर है वो आ चुका है। और मैं चाहता हूँ ये जो रीड मोड का बटन है इसका भी बैकग्राउंड टील हो, और ये जो रीड मोड टेक्स्ट है, मैं जूम कर देता हूँ, जो रीड मोड टेक्स्ट है ये सेंटर में आ सके, राइट। तो चलिए करते हैं इसको, रीड मोर कहाँ था, वो था हमारे index.php के अंदर। रीड मोर को मैं क्लास देता हूँ, क्लास देता हूँ, एक्चुअली आपको पूरे क्लास कार्ड एक्शन को क्लास देना पड़ेगा, तो इसके अंदर आपको क्लास लिखना पड़ेगा टील जो कि कलर का नाम है, और फिर इसके अंदर एक और क्लास पास करना पड़ेगा सेंटर, ताकि आप टेक्स्ट को सेंटर कर सको। और चलिए मैं रिफ्रेश करता हूँ और आप देख सकते हो रीड मोर। अब दिक्कत क्या है, ये जो रीड मोर टेक्स्ट है ये आपको सही से दिख नहीं रहा होगा, तो मैं इसको वाइट कर देता हूँ। व्हाइट करने के लिए आपको एक क्लास के अंदर जाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि टेक्स्ट इसके अंदर है, तो आपको इसके अंदर जाना पड़ेगा और क्लास इक्वल टू वाइट डैश टेक्स्ट आपको लिखना पड़ेगा, राइट। और फिर आप जब एंटर करोगे तो आप देख सकते हो वाइट टेक्स्ट यहाँ पे आ चुका है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं दो तीन यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ कार्ड, और ये बहुत सारे कार्ड हो गए हैं, तो मैं यहाँ पे एक्चुअली दिक्कत हो गई है। ओके तो आपको कार्ड के ऊपर से करना पड़ेगा, तो कार्ड यहाँ से आप लोगे, आप अपने तरीके से देख लेना। कार्ड को मैं कॉपी करके पेस्ट करता हूँ ताकि आपको दिखे, और मैं सेव करता हूँ यहाँ पे। ओके ये न्यू उस पर आ गई है, मेरे से कुछ गलती हो रही है। एक मिनट, ये डिव कार्ड एक्शन के लिए, और ये फिर जो ये डिव है ये कार्ड के लिए, तो एक्चुअली ये काम क्यों नहीं कर रहा है मुझे देखना पड़ेगा। एक मिनट, ये कुछ एरर आ रही है, क्योंकि ये PHP है तो हमें पता भी नहीं चलेगा कि कौन सा डिव किसका है, क्योंकि मैंने PHP का एक्सटेंशन या फिर प्लगइन इसमें डाउनलोड करके नहीं रखा है। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, फिर मैं इसे सेव करता हूँ। ओके तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपका वो आ गया है, और फिर मैं एक और क्या करता हूँ, मैं एक और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ओके ये चार आ गया। अब मैं जब नेक्स्ट करूँगा तो आप देखिएगा क्या होगा, नेक्स्ट जब आप करोगे तो वो न्यू लाइन पे आ जाएगी, क्यों, क्योंकि आपने बोला है लार्ज स्क्रीन पे चार ही दिखना चाहिए, तो एंटर करूँगा तो आप देख सकते हो न्यू लाइन पे आ गई। अब इसके रिस्पॉन्सिवनेस को देखते हैं, मतलब ये छोटी स्क्रीन पे कैसा दिखता है, तो आप देख सकते हो मीडियम स्क्रीन पे दो, छोटी स्क्रीन पे दो है, मीडियम स्क्रीन पे तीन है, राइट, बहुत अच्छा दिख रहा है आपको, आपको ये लग रहा होगा, राइट, देखिए कितना अच्छा दिख रहा है, राइट। आप चाहो तो छोटी स्क्रीन पे इंस्टॉल भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। ओके मैं इसमें कुछ नहीं बताऊंगा, मेरा मैं आपको बस बता रहा हूं, और फिर आप देख सकते हो ये साइड बार भी इस तरह से दिख रहा है, और बड़े स्क्रीन पे आपको तीन दिखेगा, और ये स्पेस इसलिए छूट रहा है क्योंकि यहाँ पे आपका साइड बार है। ओके उसको हम लोगों ने डिज़ाइन नहीं किया, तो चलिए साइड बार को डिज़ाइन करते हैं। ये पेज तो रेडी हो चुका है, अभी ये ऐसा दिख रहा है, बाद में हम लोग डाटाबेस से निकाल के इसे दिखाएंगे। ओके तो मैं क्या करता हूँ, ये हमारा साइड बार का एरिया, राइट, तो साइड बार में मुझे क्या चाहिए, साइड बार में मुझे एक सबसे पहले सर्च बटन चाहिए, तो उसके लिए मैं एक सबसे पहले कलेक्शन क्लास ले लेता हूँ, ul-collection, क्योंकि मैं एक एक करके आइटम इसमें डालने वाला हूँ, तो मैं ul-collection क्लास ले लेता हूँ, और फिर इसके अंदर जो li-collection item क्लास है उसके अंदर मैं सर्च बटन बनाना चाहता हूँ। तो अगर मैं अभी रिफ्रेश करके आपको दिखाऊँ, ओके तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको एक छोटा सा ब्रैकेट दिख गया है, और उससे पहले मैं क्या करता हूँ, इस पूरे चीज़ को मैं कार्ड में दे दूँ, नहीं कार्ड में देने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे आपको div-input field, अगर आप लोग मेरे मटेरियल सीएसएस के ट्यूटोरियल को देखे हैं तो उसमें मैंने फॉर्म जब बताया, फॉर्म इन मटेरियल सीएसएस, तो उसमें बताया था किस तरह से फॉर्म हम बनाने हैं, तो उसमें इनपुट फील्ड आपको डालना पड़ता है, और फिर इनपुट आप डाल सकते हो, और इसको मैं दे देता हूँ टाइप इक्वल टू टेक्स्ट। ओके आईडी इक्वल टू मैं दे देता हूँ इसे सर्च,
क्योंकि बाद में हमें इस आईडी को यूज़ करना है, और फिर मैं नेम दे देता हूँ इक्वल टू सर्च, क्योंकि तब मैं नेम दूंगा तो नेम के उससे मैं वैल्यू निकाल सकूंगा। और फिर मैं इसके अंदर प्लेस होल्डर डाल देता हूँ, प्लेस होल्डर इक्वल टू सर्च एनीथिंग। ओके, तो चलिए मैं इसे रिफ्रेश करके आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे दिख रहा है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सर्च एनीथिंग का वो आ गया है, राइट। अब मैं क्या चाहता हूँ, इसके नीचे एक सर्च का बटन हो और ऊपर में एक हेडिंग रहे ताकि आपको पता चले कि एक्चुअली ये किस चीज़ के लिए है। तो मैं नीचे में एक बटन डालता हूँ, तो बटन डालने के लिए आपको इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट डालना पड़ेगा, और फिर जो क्लास है आपका, क्लास है वो आपको यहाँ पे btn डालना पड़ेगा। और मैं इसको कलर देना चाहता हूँ टील, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट टील कलर होगा। और फिर और तो कुछ नहीं डालना है हमें, राइट। और मैं क्या चाहता हूँ, इस इनपुट फील्ड से पहले मैं कलेक्शन आइटम के अंदर एक h5 लगा दूँ और वहाँ पे मैं लिख दे दूँ सर्च। ओके, तो चलिए रिफ्रेश करते हैं इस चीज़ को और आप देख सकते हो। ओके, सबमिट क्यूरी, देखिए ये सबमिट क्यूरी इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने वैल्यू इनपुट के अंदर जो टाइप सबमिट दिया उसको वैल्यू नहीं दिया है। तो वैल्यू देने के लिए आपको वैल्यू एट्रीब्यूट का यूज़ करना पड़ता है, और वहाँ पे आप लिख सकते हो वैल्यू सर्च, राइट। और चलिए मैं रिफ्रेश करता हूँ इसको, तो आप देख सकते हो सर्च, सर्च एनीथिंग, और यहाँ पे सर्च का बटन आ रहा है। मुझे ये सर्च बटन सेंटर में चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये पूरे इनपुट को आपको लेना पड़ेगा कंट्रोल एक्स और इसको डिव डैश सेंटर क्लास के अंदर डाल देना पड़ेगा ताकि ये सेंटर हो सके, और कंट्रोल वी कर देना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो अब ये सेंटर में आ गया। अब इसके नीचे मैं क्या चाहता हूँ, इसके नीचे मैं चाहता हूँ जो रिसेंट पोस्ट है या फिर टॉप ट्रेंडिंग पोस्ट है वो शो हो। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, उसके बाद में फिर एक और मैं कलेक्शन आइटम लेता हूँ ये यूएल के बाद। ओके, यूएल डैश कलेक्शन आइटम, ओ सॉरी कलेक्शन क्लास एक्चुअली, नॉट कलेक्शन आइटम। और फिर आपको एक एक करके कलेक्शन आइटम यहाँ पे देना पड़ेगा, तो li डैश कलेक्शन आइटम, एक्चुअली ये पूरे लिंक्स ही होंगे, तो आपको यूएल, यूएल का कलेक्शन नहीं बनाना है बल्कि आपको लिंक का कलेक्शन बनाना है। तो लिंक का कलेक्शन बनाने के लिए आपको डिव यूज़ करना पड़ता है, डिव क्लास इक्वल टू कलेक्शन, और उसके अंदर आपको एंकर टैग लगाना पड़ता है और इसको क्लास देना पड़ेगा। हर एक एंकर टैग को आपको क्लास देना पड़ेगा, क्लास इक्वल टू कलेक्शन आइटम। और फिर यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, तो मैं ब्लॉक का नाम ले लेता हूँ लॉरेम 10 टॉप ट्रेंडिंग टैग्स, और कलेक्शन आइटम के ऊपर मैं यहाँ पे एक h5 लेता हूँ और वहाँ पे मैं लिख देता हूँ ट्रेंडिंग ब्लॉक्स, राइट। तो चलिए इसे सेव करते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ट्रेंडिंग ब्लॉक्स आ गया है और फिर ये यहाँ पे लॉरेम वो आ गया है। अब दिक्कत क्या है, ये जो ट्रेंडिंग ब्लॉग है ये अच्छा नहीं दिख रहा है। ओके, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, ये जो कलेक्शन क्लास है उसको एक और क्लास दे सकते हो विथ हेडर। ओके, विथ हेडर, और मैं इसको कट कर लेता हूँ अभी के लिए। आपको फिर पहला कलेक्शन जो आइटम होगा ए डैश कलेक्शन, कलेक्शन आइटम की जगह उसको कलेक्शन हेडर करना पड़ेगा, राइट। क्यों, क्योंकि वो इस कलेक्शन, पूरे कलेक्शन का हेडर का तरह काम करेगा, और फिर उसके अंदर आपको h5 डाल देना है, राइट। तो चलिए मैं सेव करता हूँ इसे, और अब की बार आप देख सकते हो ये बड़ा सा दिख रहा है और अच्छा दिख रहा है। एक्चुअली ये भी अच्छा नहीं दिख रहा है अभी, कलेक्शन हेडर, कलेक्शन विथ हेडर और कलेक्शन आइटम सही तो दिखना चाहिए पर क्यों नहीं दिख रहा, ये एक्चुअली अच्छा नहीं दिख रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसे हटा ही देता हूँ। ओके, और फिर मैं क्या करता हूँ, मैं इसके अंदर डायरेक्ट जो h5 था हमारा h4 में ले लेता हूँ और उसको मैं लिख देता हूँ ट्रेंडिंग ब्लॉक्स। ओके, और आप देख सकते हो यहाँ पे आपका ट्रेंडिंग ब्लॉक्स करके आ गया है, और फिर एक्चुअली ये बहुत बड़ा लग रहा है तो मैं इसे h5 ही कर देता हूँ, बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा है, आई एम सॉरी। पर एक्चुअली मैंने भी इसे पहले इस तरह से कंप्लीट वो नहीं बनाया है, मटेरियल सीएसएस में मैं नॉर्मल जावास्क्रिप्ट सीएमएस में बनाता था, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, पर हम लोग सीख लेंगे टाइम टू टाइम। ओके, और मैं क्या करना चाहता हूँ, इस सर्च को मैं एक बैकग्राउंड कलर देना चाहता हूँ और इस ट्रेंडिंग ब्लॉक्स को भी मैं एक बैकग्राउंड कलर देना चाहता हूँ। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको क्लास लगाना है इसको, और क्या क्लास देना है आपको, मैं दे देता हूँ टील, मैं इसको ऊपर इसको लाइटन कर देता हूँ, तो लाइटन करने के लाइटन डैश 2 में दे देता हूँ। तो चलिए मैं दिखाता हूँ कि एक्चुअली ये किस तरह से दिखेगा। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरह से दिख रहा है। ओके, अच्छा नहीं दिख रहा है, आई एम नॉट गेटिंग, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं इसे हटा ही देता हूँ। ओके, और
आप देख सकते हो ये जो ट्रेंडिंग है ये एक्चुअली पूरे यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो इसको आप थोड़ा सा कस्टम सी एस एस दे दो। तो उसके लिए आपको एच टी एम एल एच फाइव के अंदर जाना, स्टाइल लगाना है, क्या लगाना है, पैडिंग मैं दे देता हूँ, सबसे अच्छा ये रहेगा पैडिंग लेफ्ट, क्योंकि लेफ्ट साइड से आपको स्पेस चाहिए, मैं दे देता हूँ 2 पिक्सल। तो चलिए देखते हैं कुछ डिफरेंस आया कि नहीं आया, नहीं आया कुछ डिफरेंस, कुछ गलत तो नहीं हुआ, पैडिंग लेफ्ट 2 पिक्सल सही तो है। ओके मैं इसको दे देता हूँ 20 पिक्सल, देखता हूँ 20 पिक्सल में क्या होता है। तो आप देख सकते हो 20 पिक्सल में ये थोड़ा सा मूव कर गया है, राइट। और इसको मैं ये सही है, और फिर ये मैं चाहता हूँ ये जो कलेक्शन आइटम है उसको मैं बैकग्राउंड कलर दूँ। तो बैकग्राउंड कलर देने के लिए आपको हर एक कलेक्शन आइटम के अंदर जाना पड़ेगा और उसको क्लास देना पड़ेगा, जो भी क्लास आप देना चाहते हो। तो मैं इसे कौन सा कलर दूँ, मैं इसे देना चाहता हूँ ग्रे कलर, और उसको मैं लाइटन कर देता हूँ ग्रे डैश लाइटन डैश 3। तो चलिए सेव करके देखते हैं कैसा आ रहा है। तो आप देख सकते हो ये छोटा सा जो बैकग्राउंड कलर है उसे मिल गया है। और इसी तरीके से मैं क्या करता हूँ, ये पूरे ए टैग को 3-4 बार कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी कंट्रोल वी कंट्रोल वी कंट्रोल वी। और चलिए इसे सेव करके हम लोग देखते हैं। अब आप देख सकते हो जो टॉप ट्रेंडिंग टैग्स है आपको यहाँ पे दिख जा रहे हैं, राइट। पर दिक्कत अच्छा चलो सही है, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। और ये सर्च आपका हो गया, ये आपका ट्रेंडिंग हो गया। बाद में हम लोग साइड बार में और भी बहुत सारी चीज़ ऐड करेंगे, पर दिक्कत क्या है, जब मैं पोस्ट डॉट पी एच पी पेज के अंदर जाऊँगा तो आपको वो साइड बार नहीं दिखेगा, क्यों? पर साइड बार तो दिखना चाहिए क्योंकि साइड बार तो हर एक पेज के लिए है। और अगर मैं इसको छोटा करके दिखाऊं तो आप देखिएगा कितना अच्छा लगेगा ये। देखिए छोटे पे जब आप नीचे जाओगे तो आप देख सकते हो पूरे अच्छे तरीके से आपको नीचे में दिख रहा है, और उसी तरीके से आपको सर्च बटन यहाँ पे दिख रहा है, राइट। तो मैं चाहता हूँ कि ये पोस्ट डॉट पी एच पी के अंदर भी दिखे ये पूरा चीज़ साइड बार। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको ये जो आपका साइड बार का एरिया है, साइड बार का एरिया है उसके अंदर जितने भी यू एल हैं, ओके, आपको वो लेना है। और इसे मैं कंट्रोल एक्स कर लेता हूँ, ओके। तो आप देख सकते हो ये आपका साइड बार का एरिया है। और फिर मैं एक पेज बना लेता हूँ इंक्लूड्स के अंदर जिसका मैं नाम दे देता हूँ साइड साइड बार डॉट पी एच पी। और ये चीज़ मैंने आपको पिछले वीडियो में भी करके दिखाया था हेडर नैव बार वगैरह के साथ, और उसको मैं पेस्ट कर देता हूँ एज इट इज़, ओके। अब आपको जहाँ जहाँ पे साइड बार चाहिए वहाँ पे जाकर के बस आपको पी एच पी फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी। तो इंक्लूड में कर देता हूँ इंक्लूड्स स्लैश साइड बार डॉट पी एच पी, राइट। तो चलिए अब यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ। सबसे पहले देखिए आपका साइड बार एज इट इज रहा, पर अगर मैं पोस्ट डॉट पी एच पी में रिफ्रेश करूँ, ओके, तो हम लोगों ने पोस्ट डॉट पी एच पी में एक्चुअली इसे इंक्लूड नहीं किया है। तो वो करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं पोस्ट डॉट पी एच पी का डिज़ाइन आपको बताता हूँ। तो इस चीज़ को तो अब मैं हटा देना चाहता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, एक और मैं वो ले लेता हूँ। और पोस्ट डॉट पी एच पी का डिज़ाइन कुछ इस तरह से होगा, पोस्ट डॉट पी एच पी पेज है यहाँ पे, ओके। बड़ी सी स्क्रीन पे ये आपका नेविगेशन बार रहेगा, राइट। ये आपका मेन कंटेंट एरिया रहेगा जहाँ पे आपको पोस्ट डॉट पी एच पी का कंटेंट दिखेगा, मतलब किसी भी एक ब्लॉक का। फिर ये आपका साइड बार रहेगा, ओके। और फिर ये आपका रहेगा यहाँ पे रिलेटेड ब्लॉक्स, राइट। और फिर ये आपका रहेगा फुटर एरिया। मीडियम स्क्रीन पे भी सेम चीज़ रहेगा, पर छोटे स्क्रीन पे चेंज हो जाएगा। क्या होगा, ये आपका मेनू, ये आपका ब्लॉक का कंटेंट, ओके, ये आपका ब्लॉक का कंटेंट, ये आपका साइड बार, नहीं ये एक्चुअली आपका साइड बार, चलो नहीं तो साइड बार को नीचे कर देते हैं, ये सही नहीं है। ये आपका रहेगा रिलेटेड ब्लॉक्स, ओके, फिर साइड बार, और फिर जाकर के आपका फूटर, राइट। तो ये डिजाइन होने वाला है। तो अगर मैं इसको L10 दूं तो L9 दूं तो इसको L3 देना पड़ेगा, ओके। मीडियम स्क्रीन पे भी M9 M3, और स्मॉल स्क्रीन पे सबको S12 देना पड़ेगा। तो चलिए जल्दी से हम लोग पोस्ट डॉट पी एच पी पेज को भी डिजाइन करते हैं। तो देखिए ये नेविगेशन बार का चीज़ है, उसके बाद ही हमें जो भी चीज़ करना है। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ div डैश रो, बड़ा सा रो, और फिर इसके अंदर div डैश कॉल डैश L9 डैश M9 डैश S12, ओके। और फिर इस div के बाहर भी मुझे div डैश कॉल डैश L3 डैश
एम थ्री दैट एस ट्वेल्व, राइट, हो गया। और उससे पहले मैंने आपको क्या बोला, उससे पहले मैंने आपको बोला है कि ये एल लाइन और एल थ्री, उसके बाद यहां पे पूरे एक बड़े से स्क्रीन में रिलेटेड ब्लॉक्स का सेक्शन होना चाहिए, मतलब इसके नीचे एल लाइन के नीचे वाला। तो उसके लिए आपको क्या करना है, डिव डैश कॉल डैश एस्ट्रोल कर देना है। क्यों? क्योंकि ये सबसे छोटे स्क्रीन पे भी टॉल रहेगा तो वो बड़े मीडियम सब स्क्रीन पे टॉल रहने वाला है। ओके, नहीं तो आप चाहो तो इसे ऐसे भी लिख सकते हो, एल ट्वेल्व एम ट्वेल्व या फिर एस्ट्रोल। ओके, और फिर क्या करता हूं, ये आपका साइड बार का एरिया है तो मैं यहां पे कमेंट एक ले लेता हूं, साइड बार एरिया, राइट, और मैं इसे कॉपी कर लेता हूं और इसे मैं पेस्ट कर देता हूं इसके अंदर और फिर इसके अंदर। ये है हमारा मेन कंटेंट एरिया, मेन पोस्ट एरिया, मतलब पोस्ट का कंटेंट, और ये रहेगा आपका रिलेटेड ब्लॉग एरिया, राइट। साइड बार एरिया के अंदर आपको पता है कि आपको साइड बार दिखाना है और साइड बार हम लोगों ने बना रखा है, तो इसके अंदर आकर के आपको बस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, पीएचपी इंक्लूड फंक्शन को, और फाइल को इंक्लूड करना पड़ेगा, इंक्लूड्स फोल्डर के अंदर जाकर के स्लैश साइड बार डॉट पीएचपी, राइट। तो चलिए इसे रिफ्रेश करते हैं। ओके, तो अब आप देख रहे होंगे कि यहां पे आपको कंटेंट यहां पे दिख रहा है, क्यों? क्योंकि अभी कुछ कंटेंट यहां पे है नहीं, एक्चुअली कंटेंट है, और ये रिलेटेड ब्लॉग एरिया को अभी मैं फिलहाल के लिए यहां पे कर देता हूं इसके नीचे। ओके, तो चलिए इसे सेव करते हैं। तो आप देख सकते हो आपका साइड बार यहां पे दिख रहा है, जबकि आपने साइड बार पोस्ट डॉट पीएचपी में बनाया भी नहीं है, और ये इसलिए दिख रहा है क्योंकि आपने मेन डॉट पीएच मतलब इंडेक्स डॉट पीएचपी के लिए बनाया है और यहां पे आपने उसे इंक्लूड कर दिया है। तो आप देखिए आपका कितना टाइम बच रहा है, और बाद में जब आपको साइड बार चेंज करना है तो अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपको हर एक फाइल में जाकर के चेंज करना रहता, पर अब डायरेक्टली आप साइड बार डॉट पीएचपी में जाइएगा और फिर आपको जो भी चीज ऐड करना है आप ऐड कर दो और हर एक पेज में जहां पे साइड बार इंक्लूड है वहां पे आपको दिख जाएगा, राइट। तो यही था आज का वीडियो, नेक्स्ट वीडियो से हम लोग बेसिक जो बैकएंड है वो हम लोग डिजाइन करने वाले हैं, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं मोटिवेट होऊंगा तभी मैं वीडियो बनाने वाला हूं, क्योंकि मोटिवेशन ज़रूरी होता है। मैं यहां पे आधा आधा घंटे का वीडियो बनाते रहता हूं तो थोड़ा सा मेहनत लगती है, तो आप समझो इस बात को। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक कर दो मेरे वीडियो को। दिस इज विवेक साइनिंग ऑफ।